वेल सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम व्लॉग्स बैक हियर, या भाई YPM व्लॉग्स बैक हियर। एक्चुअली पूरा फ्लो होता है उसमें निकल जाता है। तो 30th December आज है डेट जो यार लोग एक्चुअली मैं जा रहा हूँ 3 January को, बिकॉज आई ऑलवेज हैव 3 व्लॉग्स इन शेड्यूल। कभी मैं बीमार वगैरह पड़ जाऊँ तो एक्चुअली मेरे को भी करना है मेरा चैलेंज 365 दिन लगातार व्लॉग डालने का, जो कि लगभग मेरे अभी 8 महीने हो भी चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है। एंड ये नहीं कि उसके बाद मैं रुक जाऊँगा, लाइक आई लाइक टू व्लॉग एवरी डे एंड लाइक कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या काम है, हमेशा मेरे को मज़ा आता है पूरा व्लॉग वगैरह रिकॉर्ड करने में। तो अभी जो मेरा एक्चुअली था न्यू ईयर का रेजोल्यूशन वो था कि मैं बिल्कुल नॉनवेज खाना छोड़ दूँगा। तो अभी आज ऐसा 30 December है और आज का दिन कल के दिन अभी है मेरे पास नॉनवेज खाने का। तो अभी मेरे को जाना है, आज पहले तो करवाने के लिए टैटू, मैं कराऊंगा टैटू 2 एक्चुअली अपने एंकल के थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद मेरे को जाना है गुड़गांव विद चिराग भी, वहाँ पे कुछ काम है मेरे को, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अभी आज मैं खाऊंगा चिकन में, बिकॉज अभी 2 दिन तो हैं 30 और 31 का। फर्स्ट मैं छोड़ दूंगा टोटली नॉनवेज, तो जो फर्स्ट का व्लॉग होगा एक्चुअली वो आएगा 5 तारीख को। तो चलो अपने करते हैं व्लॉग को स्टार्ट, सो लेट्स गो। ड्यू टू कोविड यहाँ पूरी लगती है मार्केट, बट आज यहाँ मार्केट भी नहीं लगी है। यहाँ पे आ चुकी है कोल्ड कॉफ़ी एंड ये है मेरा सैंडविच, और अंकल जी भी जा रहे हैं मेरे को लेकर के। कैसे हो भैया? फर्स्ट क्लास। सेकेंड क्लास क्यों नहीं? आई एम वेरी फाइन। तो अंकल जी आज मैं कराने वाला हूँ टैटू। अच्छा? हाँ जी, मम्मा पापा ने परमिशन दे दी? यस बिल्कुल। अच्छा हाँ, तो अंकल जी पापा मम्मी का वो भी लेंगे रिएक्शन टैटू पे। तो यहाँ अभी चलते हैं, बट टैटू अंकल होगा टेम्परेरी। अच्छा हाँ, तो उसके अंकल परमिशन की जरूरत ही नहीं है, बट उनको मैं बोलूंगा कि ये है परमानेंट, बिकॉज अंकल जी वाला जो प्रैंक था मैंने लगभग 1.5-2 साल पहले किया था एंड भाई आप लोगों को बहुत पसंद आया था, तो सेम ये वाला प्रैंक होने वाला है। और अंकल जी सामने देखो जरा, और चिराग भैया की जो आज गाड़ी है अंकल जी वो उनको मिलने वाली है फाइनली 20 दिनों बाद। अच्छा। तो चिराग भैया कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी में चलेंगे गुड़गांव। उनको बोला ठीक है भैया आपकी मर्जी है, आप चलोगे गुड़गांव? चलेंगे। चलो अंकल जी भी चल रहे हैं, लेकिन अंकल जी का एक काम है वहाँ पे स्पेसिफिक, बताऊँ? बताना जरूरी है। आई एम डॉन। अभी ये क्या हुआ, एक बुलेट वाला था। अंकल जी हम चल रहे हैं अपनी लेन में बिल्कुल बीच में, वो ऐसे उड़ता उड़ता आ रहा है बिल्कुल। हाँ भैया। और हमको बोल रहा है हमारी गलती है। अगर भैया आप बचाए नहीं होते तो लेट जाता यार। हमेशा अंकल ऐसे होता है, दूसरी गलती हमारा काम बचाना है। लिटरली अभी ऐसे होता कि एक बंदा अपनी लाइन से निकल गया और हमारी लाइन में घुस रहा है बिना किसी इंडिकेटर। चलो अंकल इंडिकेटर देगा तो चलता है, इंडिकेटर नहीं दिया कुछ नहीं और उड़ता हुआ आ रहा है, मतलब उसके पास अंकल जी अगर लग जाए तो हमेशा गलती गाड़ी वाले की मानी जाएगी। हमेशा भाई गलती गाड़ी वाले की। उसके बाद उसने हमको रुक के सॉरी भी बोला, बट यार मेरे को चीज समझ नहीं आती। और अंकल जी एक और दिक्कत, अगर कोई होता है सुपर बाइक, हाँ? तो उसकी गलती सुपर बाइक की। सही बात है ना। आई डोंट नो भाई, हमेशा हम लोग ही क्यों फंसते हैं यार। होता भैया, दूसरे की गलती को हर वक्त बचाना चाहिए, जब भी इंसान फंसता है ना दूसरों की गलती से। तो मैं आ चुका हूँ शॉप पे, यहाँ पे कराने वाला हूँ मैं टैटू अपना। तो लास्ट टाइम मैंने इसे कराया था। कैसे हो भैया? बढ़िया भैया, तुम आप बताइए। मैं बहुत बढ़िया। व्हाट्स योर नेम? अभिनव। तो ये है मेरे 2 डिजाइन टैटू के, एक है गॉड्स प्लान और एक है लो लाइफ। तो ये मेरे को चाहिए था टैटू परमानेंट में एक्चुअली, बट पापा हमें अलाउ कर नहीं रहे हैं, बट आज ये प्रैंक करने वाला हूँ पापा हमें पे कि दोनों टैटूज हैं अंकल जी मेरे हैं परमानेंट। तो ये मैं कराऊंगा एक्चुअली यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो उसका पूरा क्या रहता है प्रोसेस? इसे प्रोसेस ऐसा है कि आप डिज़ाइन आपने दे दिया मेरे को, ठीक है, इसका प्रिंट निकाल के हम ट्रेस करेंगे पेपर के ऊपर। डिज़ाइन हमने निकाल लिया पहले ही, ठीक है, ट्रेस करेंगे, ब्लू प्रिंट आपके प्लेसमेंट जगह पे आएगा और फिर हम टेम कुछ करते हैं। ओके। और अंकल जी आपके करा दें नहीं नहीं परमानेंट तो करवा लो फिर कम से कम, छोटा सा एक। चलो नेक्स्ट बार आएंगे जब। लास्ट टाइम भी ये कही था आपने, नेक्स्ट टाइम आएंगे नेक्स्ट बार। जो काय नहीं खत्म होता भाई। तो सबसे पहले यहाँ पे लग रहा है अभी गॉड्स प्लान, जो कि मैं लेफ्ट में करवा रहा हूँ। एक्चुअली ये मेरे दोनों फेवरेट सॉन्ग्स हैं, तो इन्हीं का मैं करवा रहा हूँ टैटू। ये क्या चीज़ अभी आपने लगाया था? यूशन स्टेंसिल जेल है। इससे क्या होता है? स्टेंसिल आ जाएगा स्किन पे ना। स्टेंसिल जेल। हाँ। तो ये पूरा स्टेंसिल के बाद में अब ये हो जाएगा शुरू। एंड ये तो टेम्परेरी टैटू है, इसे ब्लैक कलर से होता है, बाकी ये है पूरी इनकी मशीन्स जिससे होता है परमानेंट। तो भैया अगर इसे मतलब टैटू परमानेंट के अंदर कितनी देर लगती है इसके अंदर? इसमें कम से कम लगता है 2 घंटे। दोनों के अंदर? हाँ 2 घंटे दोनों के अंदर। तो आधा घंटा हो चुका है टैटू करवाए हुए, अभी पर टैटू सूख रहा है, उसके बाद में इसको मतलब कितने दिन तक रहेगा ऐसा टैटू? ये 2-3 दिन।
दिन में रख तक रहेगा, बिकॉज यूजली भाई मैं नहाता भी दिन में दो तीन बार ही, तो चक्कर में जल्दी चला जाएगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जो टैटू था आई थिंक वो रहा था दो दिन तक, बट इसमें मतलब सूखने में टाइम बहुत लग रहा है। एंड लगभग यहाँ पे जो टैटू हो गया था कंप्लीट हो गया था 6:10 पे, आधा घंटा हो चुका है। मेरे को कॉल करें वहाँ पर चिराग भैया तू कहाँ है, तू कहाँ है, तो हम जल्दी चिराग भैया चलना है इसके बाद। हाँ भाई भाई यहाँ पे सारी टैटू की इंक्स पड़ी हुई हैं, जहाँ पे ग्रीन है, रेड है, ब्लैक है। वैसे ये लोग अगर ब्लैक करवाते होंगे टैटू के अंदर, ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ ब्लैक की ज़्यादातर हम ये चलते हैं, डायनेमिक ट्रिपल ब्लैक, तो ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट ही वाली होती है डायनेमिक। सही है। और बाकी फिर ये कलर्स वगैरह हो गए, इंटेंस के आते हैं, इटर्नल के आते हैं, डायनेमिक के आते हैं, रेडिएंट के आता है। तो भाई का ये पेज है टैटू पॉइंट के नाम से, तो भाई को जाकर फॉलो करो एंड यहाँ पे टैटू वगैरह करते हैं। टैटू कराओगे भैया? हेयर हो रखा है मेरे को, दिखाओ। नाम क्या आपका? ये रहा। याद आ गया, पहली मीटिंग में ही था ना। डाक करवा लो इसको। तूने क्या करवाया? ये वाला भाई। तो नॉर्मली कितना टाइम लगता है टैटू को बनाने में? एक टैटू अगर बेसिक जो साइज होता है 3 इंच का होता है, तो उसको आधा घंटा। एंड प्राइस क्या होता है टैटू को स्टार्टिंग की? प्राइस 1000 रुपीज स्टार्टिंग है पर इंच। 1000 पर इंच है। ओके, बाकी डिस्काउंट वगैरह हो जाएगा जब आएंगे। ठीक है, डाक करवा लो अभी टैटू को, या एक काम करो, एक यहाँ पे करवा लो छोटे लाल, वर्मा लिखवा लो छोटे लाल, लिखवाएंगे ना आप, लिखवा लो ना। लवर्स भाई निकलती है यहाँ पे चिकन चंगेजे देगा, तो मैं होता है उनका दो दिन का चिकन खाने के लिए चिकन खाते हैं। चिकन कितना सही लग रहा है, ये देखो पूरा फ्राइड चिकन हमने अभी ये लिया हाथ रमाली रोटी। भाई चिकन टेस्ट करने जा रहे हैं हम चंगेजी चिकन, मेरे को चिराग भैया ने बताया यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। फूड तो इतना बढ़िया होता है ना। हाँ जायका दिल्ली से आज तक कभी ऐसा मटन कौरमा नहीं खाया, स्पाइसी बहुत ज़्यादा था, और जैसा इसका फ्लेवर होना चाहिए बिल्कुल वैसा था। ऑथेंटिक टेस्ट, हाँ बहुत बढ़िया। थैंक यू भैया, बहुत बढ़िया था। अभी हम जा रहे हैं गुड़गांव। क्यों? हम जा रहे हैं वहाँ लॉन्च, 31 की तैयारी के लिए भी जा रहे हैं। अंकल जी क्या हो गया? कुछ नहीं, बढ़िया ना। कुछ ऐसा लग रहा हूँ मैं, बहुत दिनों बाद ठंडी ठंडी सी हवा है और मजा बहुत ज्यादा आ रहा है, विंड बहुत ज्यादा आ रही होगी आप लोगों को। कार अभी है 60 की स्पीड में। कैसे हो पापा? बढ़िया। ये चीज दिखाऊं? ये देखो क्या टैटू है? टैटू है आज का, क्या हूं मैं उल्टा डांग दूंगा। टैटू है अगर ये करा होगा ना, भी है ना, हो नहीं सकता। अरे टैटू है, टैटू मत मानो। मैं नहीं मान सकता। अरे पूरा इंग्रेव्ड है, मैं मान नहीं सकता। मशीन से करवाया है, कुछ भी कर लो। क्यों नहीं, मैं नहीं मान सकता। क्यों? तेरे को जानता हूँ ना। क्यों? अभी एक आया पूरा पार्टी प्लेटर, पास्ता, ब्राउनी, सैंडविच। कहाँ से आया? फूड पॉइंट? नहीं हैशटैग फूड। मतलब भाई देखो ये चुरा रहा था बाकी लोगों के आइडियाज। बस सच में देखो जो मम्मा है वो तो सो गई है फिलहाल, तो कुछ फ़ायदा है नहीं, बट उनका तो रिएक्शन है। आप देखोगे फिर नेक्स्ट वाले व्लॉग में, और आपने देखा आज का पूरा व्लॉग कैसा लगा मैं बताना है, वीडियो को करके कमेंट खत्म करता हूँ आशा व्लॉग को यहीं पर। विद डैट सेट बाय एंड स्टे सेफ एंड फॉलो मी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है @YPMVlogs। या विद डैट सेट बाय एंड स्टे सेफ। बता मिलन भाई, चिराग भैया यहाँ पे हैं। अबे साले ये दिखाएगा क्या? पोस्ट क्रेडिट्स मिल गए भाई। घर तेरा है तो क्या? बोतल तो आपकी है? घर तेरा है, बोतल तो आपकी है? नहीं भाई। ठीक।